हाय गाइस, आज हम बनाएंगे लंच रेसिपी बच्चों के लिए। पहली रेसिपी है रोटी लड्डू। आप फ्रेश रोटी भी ले सकते हो और रात की बची हुई रोटी भी ले सकते हो। यहाँ मैंने ली है 4 रोटी, 2 टेबलस्पून घी लूँगी, 1/2 टीस्पून सौंफ, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 10 काजू, 10 बादाम, 3 टेबलस्पून शुगर, 10 पिस्ता। ये सारी चीज़ों को अभी मैं पाउडर बना लूँगी। ग्राइंडर में पीस लीजिए आप। मैंने यहाँ ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बनाकर रखा हुआ है, इसको दरदरा सा पीसना है। कई बच्चों को ड्राई फ्रूट खाना पसंद नहीं होता है, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। उनको पीस कर दे दीजिए ऐसे रोटी लड्डू में। मैंने रोटी को बारीक बारीक पीस लिया है ग्राइंडर में। अब मैं पिसी हुई रोटी के अंदर 2 टेबलस्पून घी डाल दूंगी। अगर आप घी कम यूज़ करना चाहते हो तो आप कम यूज़ कीजिएगा। अब मैं इसके अंदर पिसा हुआ ड्राई फ्रूट डाल दूंगी। अब शुगर भी ऐड कर दीजिए। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए। और अगर आप चाहें तो आप इसको 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रख दीजिए। उससे बहुत इजी हो जाता है बनाना लड्डू, मिक्स अच्छी तरह से होगा। आप शुगर की जगह पर इसके अंदर गुड़ की शक्कर भी यूज़ कर सकते हो, तो थोड़ा सा हेल्दी हो जाता है। अभी आप हाथ से दबा दबा कर इसको मिक्स कीजिए, ताकि जो इसके अंदर मोटे पीसेस रह जाते हैं वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। इसको अभी लड्डू की शेप दे दीजिए, जैसे हम मोतीचूर के लड्डू को बनाते हैं वैसे ही इसको बनाना है। सेम प्रोसीजर है इसका भी। ये बच्चों को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये मीठा है, और मीठा तो बच्चों को वैसे ही बहुत पसंद आता है। और ऊपर से इसके अंदर नट्स हैं, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर नट्स डाले हैं हमने। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मीठा तो बच्चों का वैसे ही फेवरेट होता है। इसको बनाइए और मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। और भी हेल्दी बनाना है तो गुड़ की शक्कर का यूज़ करना। बाकी के लड्डू भी आप ऐसे ही बना लीजिए। मैंने इस पूरे मिक्सचर से 10 छोटे वाले लड्डू बनाए थे। आप साइज़ अपने हिसाब से बना लीजिए, छोटे बड़े जैसे भी आपको पसंद हो वैसे बना सकते हो आप। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। दूसरी रेसिपी है केसडिया। बहुत ही आसान है, सुबह सुबह में बहुत जल्दी बन जाता है और बच्चों को अच्छा भी लगता है। केसरिया बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1/2 कप बॉइल्ड राजमा, 2 टेबलस्पून बेल पेपर, कोई भी कलर की ले लीजिए, 2 टेबलस्पून अनियन, थोड़ा सा चीज़। यहाँ मैं ले रही हूँ 2 तोर्तियास, आप इसकी जगह पर रोटी भी ले सकते हो बनाकर, 1 टेबलस्पून टमेटो केचप, 1/2 टीस्पून अनियन पाउडर, 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक, 1/4 टीस्पून जीरा ले रही हूँ। नमक मैंने यहाँ नहीं लिया है क्योंकि मैं चेक करके डालूँगी अगर मुझे ज़रूरत हुई तो पहले मैं अनियन को सौते करूँगी। यहाँ पर मैंने पैन रख दिया है ऑलरेडी, पैन गर्म हो चुका है। और भी इसमें डालूँगी 1 टीस्पून ऑयल, और जब थोड़ा ऑयल गर्म हो जाएगा तो डालेंगे हम जीरा। अब मैं जीरा डाल रही हूँ। जीरा जब क्रैकल हो जाएगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे अनियन। अनियन को हम 30 से 40 सेकंड के लिए भूनेंगे। अनियन अब सौते हो चुका है, तो हम डालेंगे इसके अंदर अपनी बेल पेपर। बेल पेपर को हम थोड़ा क्रंची रखेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर और वेजीज भी डाल सकते हो, जैसे ग्रीन पीस हो गए और ब्रोकली डाल सकते हो। अब मैं डाल रही हूँ राजमा।
अब सारी सीजनिंग डाल दीजिए इसके अंदर। आपने देखा होगा मैंने इसके अंदर पहले सॉल्ट नहीं लिया था, तो क्योंकि गार्लिक में और अनियन पाउडर में है ऑलरेडी, तो आप इसको चेक करके ही डालिएगा सॉल्ट। अभी अच्छी तरह से मिक्स कीजिए इसको। अब हम डालेंगे इसके अंदर टोमेटो केचप और मिक्स कर दीजिए। अब फोर्क की हेल्प से इसको मैश कर दीजिए, क्योंकि अगर मैश करेंगे तो जब हम स्टफ करेंगे अपने तोर्तियास के अंदर तो वो इसकी जो स्टफिंग है वो बाहर नहीं आएगी और बच्चों को थोड़ा ये हैंडल करना भी इजी लगेगा। अब इसका टेस्ट चेक कर लिए, अगर आपको कम लग रहा है तो अब इसके अंदर सॉल्ट डालिए। मैंने इसके अंदर 1/4 टीस्पून सॉल्ट डाला है। अब मैं स्टफिंग को तोर्तियास के अंदर फिल कर दूंगी। अगर आपके पास तोर्तियास नहीं है तो आप रोटी के अंदर बना सकते हो इसको। रोटी को थोड़ा बड़ा बना लीजिए ताकि जो उसकी स्टफिंग है अच्छी तरह से हो जाए। चीज़ आप अपने हिसाब से डालिए, बच्चों को कैसे अच्छी लगती है ज़्यादा या फिर कम। इसकी आधी साइड पर ही आप फिलिंग डालिए ताकि जो दूसरी साइड है हम उसको फोल्ड कर सकें। दोनों को हम देंगे। तवा मैंने गर्म कर लिया है और उसके ऊपर 1 टीस्पून मैं तेल डालूंगी और बाद में इसके ऊपर हम 12 तोर्तियाँ रख देंगे। जब उसकी ब्राउन साइड हो जाएगी तो उसको हम साइड चेंज कर देंगे। मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है और इसको अलग प्लेट में निकाल लीजिए अब, और जो दूसरा तोर्तिया है उसको भी आप ऐसे ही बना लीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अभी मैं मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय। मेरे बच्चों ने खाया तो उनको बहुत अच्छा लगा था, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताना कॉमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा।